ढलती हुई शाम कुछ कहती है, सुनो। परिंदे घर की ओर चल पड़े हैं, देखो इंतजार खत्म होने को है नन्हे परिंदों का भी। ढलती हुई शाम कुछ कहती है, सुनो। मेरी जर्नी की स्टार्ट होती है वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के एक 39 रुपीस के टिकट से। ये 39 रुपीस एक गेटवे है 90 मिनट्स के हेरिटेज राइड के लिए। तो चलो मेरे साथ, तुम्हें भी लिए चलता हूं इस कोलकाता हेरिटेज रिवर क्रूज पे। हैशटैग सेलिंग डाउन द हेरिटेज। एक ऐसा शहर जो पानी के पास बसा हुआ है, तो ऐसे किसी शहर में एक वाटरवे की जो इम्पोर्टेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और मैं अगर कोलकाता की बात करूँ तो कोलकाता में जो वाटरवेज है उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले किया है। प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। तो आज मैं हूँ अभी कोलकाता के हेरिटेज रिवर क्रूज में और मैं यहाँ पे आज जर्नी करने वाला हूँ। 1.5 घंटे की जर्नी है ओनली फॉर 39 रुपीस। तो देखते हैं कि कैसा ये जर्नी जो है वो होने वाला है। वैसे पीछे रविंद्र संगीत भी चल रहा है और अभी जो है टाइम इट्स 3:57। तो विद इन नेक्स्ट 3 मिनट्स हम जो है यहाँ से डिपार्ट करेंगे। एंड मैं ऊपर टेक एक बार दिखा देता हूँ आपको। काफ़ी अच्छी खासी सीटिंग कैपेसिटी है, हालांकि कोई बैठना नहीं है। यहाँ पे पीछे ही एक स्टेज है जहाँ पे म्यूजिकल प्रोग्राम्स भी होते हैं और मैं अभी आपको लेके चलता हूँ लोअर डेक में और दिखाता हूँ लोअर डेक में क्या क्या है। हालांकि बहुत अच्छी फैसिलिटीज है। चलते हैं लोअर डेक में पहले। तो मैं अभी आ चुका हूँ लोअर डेक में और जैसे कि आप देख सकते हो लोअर डेक में भी काफ़ी सारी सीटिंग कैपेसिटी है। यहाँ पे वॉशरूम्स भी हैं, फीमेल एज वेल एज मेल वॉशरूम्स हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है यहाँ पे एक छोटा सा कैफेटेरिया भी है मेरे पीछे, जहाँ पे आप जो है बहुत ही एक रीज़नेबल और बहुत ही हाइजीनिक वे में आप अपने खानों को खा सकते हैं। यहाँ का क्रू ये चीज़ ज़रूर से मेंशन कर रहा है कि जो कोविड के जितने भी नॉर्म्स हैं उनको प्रॉपर्ली फॉलो कर रहा है। तो 3 मिनट के डीले से स्टार्ट होती है हमारी ये हेरिटेज रिवर क्रूज की जर्नी। काफी सही एनवायरनमेंट है यहाँ पे इस कोलकाता हेरिटेज रिवर क्रूज पे। जो मेरे को सबसे बेस्ट चीज लगी कि अगर आप सपोज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कोलकाता आ रहे हैं तो आपको कोलकाता का जो रिवर साइड है इसका बहुत ही डिटेल्ड टूर मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक गाइड भी मिल जाने वाला है जो कि यहाँ पे जितने भी घाट्स हैं, जितने भी जेटीज हैं, उन सब के बारे में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लेफ्ट आउट फील होने वाला है। आप यहाँ पे आओगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगने वाला है। आपको पता चले कि आप कौन सी जगह से जा रहे हैं, उस जगह की इम्पोर्टेंस क्या है, तो उस चीज़ के लिए गाइड अलॉट किया हुआ है। एंड आई गेस 39 रुपीज में प्रोबेबली दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस दैट यू कैन गेट। एंड ये सिर्फ और सिर्फ आप कोलकाता में ही ले सकते हैं बिकॉज कोलकाता बहुत ही सही शहर है यार, बहुत ही अमेजिंग सी सिटी है। आई पर्सनली लव कोलकाता एंड आई होप आपको भी कोलकाता पसंद आएगा। वैसे मैं काफ़ी चिल्ला रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इंजन की भी आवाज़ आ रही है और साथ ही साथ रविंद्र संगीत चल रहा है जो कि बहुत ही सूदिंग है, बहुत ही अमेजिंग है। एंड साथ ही साथ ये सनसेट का जो व्यू है, हावड़ा ब्रिज का जो व्यू है, रविंद्र सेतु का जो व्यू है, दैट्स एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग। 39 रुपीज में बहुत ज़्यादा मिल गया। हालांकि जैसा मैंने वीडियोज़ वगैरह में देख रखा था कोलकाता रिवर क्रूज का, जो फोटोज़ वीडियोज़ वायरल हो रहे थे, वैसा कुछ नहीं है, बट इंडीड इट इज़ वेरी अमेजिंग। जर्नी के स्टार्ट होते ही
हमें सबसे पहले दिखता है ईस्टर्न रेलवेज का हेडक्वार्टर्स उर्फ हावड़ा रेलवे स्टेशन। और ये इंडियन फ्लैग को देख के बस एक ही चीज कहने का मन करता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। हावड़ा स्टेशन से थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें दिखता है कोलकाता की आन बान और शान, द वेरी फेमस द हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज को पीछे छोड़ते हुए हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें जीवन की सत्यता से रूबरू होने का मौका मिलता है, दी नीमतला बर्निंग घाट। अब यहाँ पे पुरानी जीवन का अंत होता है या नए जीवन की शुरुआत, ये आप ही डिसाइड करो। सनसेट्स और स्नैक्स, प्रोबेबली द बेस्ट कॉम्बिनेशन दैट आई प्रेफर। तो समोसों को इंजॉय करते हुए मैं आगे बढ़ा विद्यासागर सेतु की ओर और इस कलाकारी के अद्भुत नमूने को मैं बस अपनी आंखों में कैद करता रहा और यही कहता रहा कि शाम की आंखों में आज बहुत बेसब्री है कि दिन कब करवट ले, कि रात कब औंधी हो, कि कब रोप दे उसके आंगन में बिछड़े हुए सितारों को। आज की शाम इतनी खूबसूरत है कि आप लोगों से अलविदा लेने का मन ही नहीं हो रहा है, पर आज की इस ढलती हुई शाम के साथ ही आपका और मेरा साथ आज यहीं तक का था। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए और अमेजिंग कंटेंट के साथ। टिल देन कीप लविंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोस। दिस इज योर एविएशन गाय साइनिंग ऑफ।